जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल लर्निंग विद सिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम पहले ऑल इन वन था, अब लर्निंग विद सिया है। तो आप लर्निंग विद सिया के नाम से मेरे चैनल को सर्च करेंगे तो आपको जो मेरे लड्डू गोपाल का एक आइकन दिखाई देगा, तो वही मेरा चैनल का नाम है। तो दोस्तों, चलिए आज हम बसंत पंचमी के लिए बहुत ही खूबसूरत पोशाक बनाने वाले हैं, जो आपको बहुत पसंद आएगी, मुझे उम्मीद है। और दोस्तों, ये पोशाक मैं बनाने से पहले बता देती हूँ आपको, अगर से आप खरीदना चाहेंगे तो वीडियो के एंड में स्क्रीन पर मेरा फ़ोन नंबर आपको दिखाई देगा, तो आप वहाँ से ऑर्डर, वो उस नंबर पर ऑर्डर करके आप ये पोशाक अपने घर बैठे भी मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए ये पोशाक हम 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं, और इसे हम 0 से लेकर के 10 नंबर तक कान्हा जी के लिए बहुत आराम से बना सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ये हमने 10 बाई 10 का गोल पीस काटा हुआ है बुकरम का, और आप पेस्टिंग बुकरम नहीं लगाना चाहते हैं, आप कोई भी मोटा कपड़ा ले सकते हैं या कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। इसको चारों तरफ से सिलाई करके पहले हम लॉक कर देते हैं। ये देखिए, चारों तरफ से हमने सिलाई लगा ली है और कटिंग करके सफाई भी इसकी कर दी है। अब इसको हम डबल करेंगे ऐसे, और ये कमर की कटिंग कर देंगे। यहाँ तक हमने ये कटिंग कर दी है, ये आगे से हम ओपन रखेंगे इसे इसलिए, और यहाँ से गोलाई में भी हम सिलाई कर लेते हैं पहले, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। देखिए हमारा ये बेस बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम चारों तरफ गोटे की बजाय पाइपिंग लगा करके लॉक कर रहे हैं। तो पाइपिंग हमने ये देखिए तिरछा और एबी कपड़े की काटी है, 1.25 इंची चौड़ी काट ली है, जितनी भी लंबी निकल आई है उतनी लंबी निकाल ली है, क्योंकि लंबाई हमें जितनी हमारी गोलाई है उतनी ही चाहिए। तो इनको हम ज्वाइंट करके पहले लंबी कर लेते हैं, लंबाई इसकी ज्यादा कर लेते हैं। तो ये देखिए ऐसे करके इसको ज्वाइंट करेंगे, और ये भी कटिंग करके हमारी पाइपिंग है, तिरछी कटी हुई है, तो दोनों अपोजिट सिरों को हम मिलाएंगे ऐसे, और ये सिलाई लगा देंगे तो ये हमारी पाइपिंग बन जाएगी। ऐसे रखेंगे, यहाँ से इसको सिलना शुरू करेंगे, ये पूरी सिलाई लगा लेंगे, और फिर इसको पलट करके ऐसे रख के ऐसे करके सिलाई लगा देंगे हम, तो यहाँ पे ये इसके किनारे पर बिल्कुल सिलाई लगा देंगे, तो ये हमारी पाइपिंग लग जाएगी। ये देखिए हमने पाइपिंग लगा ली है गोलाई में पूरी में, अब ये दोनों साइड भी हम पाइपिंग लगा लेते हैं। हमने निशान ऐसे ऐसे हाफ किया था, ये हमारा जो मार्क हो गया, ये देखिए मार्क कर लेते हैं। अब हाफ में हम फ्रिल लगाएंगे नेट की, तो नेट की पहले हम फ्रिल बना लेते हैं, लगभग 2 इंची चौड़ी और मैंने 45 इंची लंबी ये फ्रिल काट ली है, ये मैंने 3 काटी है फ्रिल, और तीनों को हम अलग अलग पहले फ्रिल तैयार कर लेते हैं। फ्रिल कैसे तैयार करेंगे, हम प्लेट्स वाली फ्रिल बनाएंगे, ये महीन चुन्नटों वाली नहीं बनाएंगे, ऐसे करके हम प्लेट्स डाल करके ऐसे बनाएंगे, ये थोड़ी सी आधा आधा इंची की प्लेट डाल करके तब हम फ्रिल तैयार करेंगे, और इस पर हम प्रेस लगा लेंगे। ये देखिए तीनों फ्रिल हमने तैयार कर ली हैं। पहली फ्रिल को हम ऐसे लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ से आधा इंची बाहर निकलता हुआ लगाएंगे, और ऐसे करते हुए ये चारों तो पहले मार्क कर लेंगे, या तो आप अगर से एकदम से सही नहीं है, एक्यूरेट सी आती है आपकी, तो आप पहले मार्क कर लीजिए इंची टेप से, उसके बाद में आप लगाइए। उसके बाद हम सेकंड फ्रिल लगाएंगे, सेकंड फ्रिल को हम इसको कवर करता हुआ, थोड़ा सा आधा इंची इसको कवर करते हुए, जो सिलाई हम लगाएंगे उसको आधा इंची कवर करते हुए हम सेकेंड फ्रिल लगाएंगे, इसको भी इसी मार्क तक लगाएंगे जो हाफ मार्क किया हुआ है। उसके बाद हम थर्ड फ्रिल लगाएंगे, थर्ड फ्रिल को हम कमर की गोलाई के साथ जॉइंट करेंगे, इसको भी हम हाफ मार्क तक करेंगे। ये तीनों फ्रिल हम लगा लेते हैं। देखिए हमने फ्रिल्स लगा लिए, और 3 की बजाय हमने 4 फ्रिल लगाई हैं, क्योंकि हमारी गोलाई में थोड़ी कम फ्रिल आई थी तो हमारे पास बच रही थी, और ये हमारा स्पेस थोड़ा सा दिख रहा था, तो हमने एक फ्रिल और सेट कर दी। अब इसका हम नेफा तैयार कर लेते हैं कमर की गोलाई के लिए। अब हम यहाँ पे इसको इसके ऊपर रख करके थोड़ी सी 1-2 इंची सिलाई लगा लेते हैं, ताकि ये हमारे पूरे बेस का बैलेंस बना रहे। अब इसके डेकोरेशन के लिए हमने ये फोम वाले फ्लावर्स लिए हैं, इनको हम यहाँ पर किनारे किनारे लगाएंगे, साथ ही हमने ये इस तरीके की ये पोलन्स ली हैं, इनको भी हम अरेंज करेंगे।
अभी एक लाइन हमने ये फ्लावर्स की लगा दी है, दूसरी लाइन भी लगा लेते हैं। ये थोड़ा थोड़ा हम गैप देकर लगाएंगे क्योंकि इनके बीच में हमें पोलन भी लगानी है। ये देखिए इस लाइन में भी हमने पोलन लगा दी है। एक लाइन हम यहाँ पर और लगा देते हैं ये पोलन्स की ऐसे। ये देखिए हमारी पोशाक कितनी सुंदर लग रही है। अभी हम इसमें यहाँ पर बूटियाँ लगाएंगे, इसलिए मैंने येलो कलर की ही ये बूटियाँ ली हैं और इनको मैं ऐसे करते हुए यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कमर का पूरा पोर्शन ऐसे करके ये कवर कर। दोस्तों आपको ये बूटियाँ बाजार में ना मिलें या इस तरीके का मटेरियल बाजार में ना मिले तो वीडियो के एंड में मेरा फ़ोन नंबर दिखाई देगा स्क्रीन पर, आप वहाँ से घर बैठे मंगा सकते हैं। ये देखिए ये बूटियाँ भी हम सेट कर देते हैं, इनको भी हम चिपका देते हैं। ये देखिए कितना सुंदर ये घेर तैयार हो गया है। अब इसकी चोली और तैयार कर लेते हैं। चोली के लिए हमने 4 इंची ये चौड़ा और 6 इंची लंबा फैब्रिक लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके साइज का भी मैंने अस्तर भी काट लिया है। अब इसको हम ऐसे डबल मोड़ेंगे, डबल मोड़ के एक बार फिर से मोड़ेंगे। इसे मोड़ने के बाद में ये हल्की सी कटिंग करेंगे हम गले की यहाँ से, और यहाँ से इसको एक एक लेयर में केवल, ये देखिए एक तह में हमने ये पीछे से ये गला कट कर दिया है। कलर कट करने के साथ ही हम 1/4 इंच ये तिरछी सी ये कटिंग और दे देंगे इसमें। ये देखिए इसको अस्तर के ऊपर रखेंगे। इस कटिंग को देने से ऐसे ये हमारी जो कमर की फिटिंग है ना वो बहुत अच्छी आती है। अभी इसको हम पहले यहाँ से लेकर के ये यहाँ से ऐसे सिलाई लगा करके पलट देते हैं, इसको यहाँ कटिंग कर देते हैं पहले। और ये साथ ही जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पर ये कोने निकल आते हैं उनको हम ऐसे कट जरूर लगाते हैं जब पलटते हैं तो, ताकि ये झोल नहीं आता है। अब इसको हम पलट देंगे। ये देखिए इसे हमने पलट दिया है। अब यहाँ से हम दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे और साथ ही हम एक यहाँ बीच में प्लेट डाल देंगे, ऐसे ये डार्ट डालेंगे है ना, ताकि ये आगे से भी कमर की फिटिंग आ जाए। और यहाँ पर हम सिलाई लगाने के बाद में इसे गोटे से लॉक कर देते हैं। ये हमने साइड से गोटा लगा दिया है। अब इसकी पत्ती से हम फ्रिल बनाएंगे नेट की और यहाँ पे स्लीव्स में ऐसे स्लीव्स की जगह पे लगा देंगे। ये देखिए ऐसे ये फ्रिल लगा देंगे। ये देखिए फ्रिल लगा दी है। अब ये हम बांधने के लिए डोरी ये गोटे की पट्टी को यहाँ से लगा देंगे, ताकि जब हम पहनाएंगे ठाकुर जी को तो ऐसे करके यूं लगाया हमने ये पीछे पलटा और इसको हम डोरी से ऐसे चोली को बांध देंगे। ये देखिए बस हमारी पोशाक पूरी बनकर के तैयार हो गई है और पीली पोशाक हमारे बसंत पंचमी पर ठाकुर जी पहनकर बहुत सुंदर लगेंगे। दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। स्क्रीन पर मेरे फ़ोन नंबर आपको दिखाई देगा, अगर से आप घर बैठे पोशाक मंगाना चाहते हो तो उस पर ऑर्डर करके आप मंगा सकते हैं। और दोस्तों आगे अपने लड्डू गोपाल के लिए आप क्या सीखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।